हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंबल के नए एक और फ्रेश व्लॉग में। तो आज है ना, मैं चंबल आया हूँ, चंबल घूमने के लिए आया था। तो सोचा आपको है ना एक व्लॉग दे दूँ कि चंबल है ना अभी कितनी चल रही है और क्या है चंबल का व्यू इस टाइम पे। समथिंग मैंने 2 हफ्ते पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जबकि है ना चंबल काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, ओवरफ्लो पानी हो रहा था, खतरे के निशान तक पहुंचने वाली थी चंबल। तो मैंने जब अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी तो उस पर काफ़ी सारे अच्छे लाइक और कमेंट आए और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया उस वीडियो को। मैंने 2 हफ्ते पहले समथिंग वीडियो डाली थी जब पे ना काफ़ी चंबल चल रही थी। तो इस टाइम अभी मैं चंबल घूमने के लिए आया था, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि आपको है ना व्लॉग दूँ या ऐसा कुछ, व्लॉग बनाने के मकसद से नहीं आया था मैं। तो मैंने सोचा कि आपको है ना क्यों ना चंबल के बारे में बताना चाहिए। सब लोगों ने बताया था जब चंबल चल रही थी जब, तो सब लोगों ने बताया था, लेकिन उसके बाद क्या है 2 हफ्ते हो चुके हैं अभी कितना चंबल चल रही है, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए। तो मैं वही चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ। तो इसी वजह से मेरा मन हुआ कि आपको है ना एक व्लॉग देना चाहिए चंबल का। तो अभी है ना मैं चंबल पे हूँ, तो आज है ना मैं अपना कैमरा भी लेके नहीं आया हूँ और फ़ोन से अभी अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये मैं तो जो कि मेरे पास है वीवो का Z1 Pro, इससे है ना मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मैं आज अपना कैमरा लेके नहीं आया हूँ, तो आपको फ़ोन से ही प्रॉपर अपना पूरा व्यू बताऊँगा और सारी जानकारी है ना इसी फ़ोन से दूंगा आपको। चंबल रिवर के ऊपर आप देख सकते हो, तो अभी है ना मैं चंबल रिवर पर खड़ा हुआ था, जस्ट ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ हूँ। और चंबल रिवर है ना इस टाइम तो काफ़ी उतर चुकी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। अभी है ना आप देख सकते हो ये वाला ब्रिज है ना, ये ओल्ड वाला ब्रिज है जो आप पीछे देख सकते हो, ये है ना न्यू वाला ब्रिज था। और ये आपका ना ये ओल्ड वाला ब्रिज है, इससे बिल्कुल है ना टच होके चल रही थी चंबल। इतना चंबल चढ़ चुकी थी कि है ना उस टाइम पे इतना चढ़ चुकी थी कि है ना इससे बिल्कुल टच होके चल रही थी। और अभी आप देख सकते हो चंबल की स्थिति कुछ ऐसी है कि बिल्कुल आपको पीछे तक दिख रहा होगा सब में है ना पानी पानी था, बिल्कुल आपको इधर भी दिख रहा होगा सब में पानी था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चंबल स्लो हो चुकी है और बिल्कुल धीमी स्थिति से चल रही है इस टाइम पर। अभी चंबल नॉर्मल है क्योंकि कोटा वायरस से इसके गेट है ना बंद हो चुके हैं। और आपको इसके बारे में जानकारी तो मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो में दे रखी है, तो इतनी ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं दे सकता और थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है तो इतना ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। तो दोस्तों, अभी आप लोग है ना देख सकते हो चंबल है ना काफ़ी ज़्यादा चल रही थी उस टाइम पे, और अभी तो है ना 2 हफ्ते के बाद है ना बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुकी है चंबल, अपनी शांत स्थिति में आ चुकी है बिल्कुल। और अभी आप लोग है ना देख सकते हो इधर है ना इतनी चल रही थी उस टाइम पर चंबल की, ये सारे में आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में, मैं आपको इधर दिखा दूँ तो इतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और चंबल है ना बिल्कुल खतरे के निशान तक पहुँच चुकी थी। हाई अलर्ट हो गया था सारे जितने भी आसपास के चंबल के शहर थे या गांव थे, मतलब समथिंग गांव ही ज़्यादा थे, हाई अलर्ट हो गया था, सारे गांव वगैरह खाली करवा दिए थे। और अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये है ना धौलपुर का वाटर वर्क से जहाँ से भरतपुर के लिए पानी सप्लाई होता है, वो बिल्कुल है ना डूब चुका था, मेरी उंगली वहाँ तक बिल्कुल पानी पहुँच गया था। तो सारे मतलब ब्रिज वगैरह, ये ब्रिज तो है ना बिल्कुल ऊपर वाला ब्लॉक कर दिया था। तो अभी है ना ऊपर चल रहे हैं हम, आपसे ऊपर को ना ऊपर से ना थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे और ऊपर ही चल के आपसे बातचीत करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर। अभी है ना इस साइड आ चुका हूँ और बिल्कुल नए वाले ब्रिज के है ना बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, जस्ट जैसे मैंने ना अपनी पिछली वीडियो शूट की थी। तो आप लोग देख सकते हो पानी है ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे, और ये आपको कचरा दिख रहा होगा, ये पेड़ से रुका हुआ है, मतलब कि यहाँ तक पानी चल रहा था, अभी मैं खड़ा हूँ इधर तक पानी चल रहा था। अभी आप पानी का व्यू पूरा देख सकते हो कि अभी है ना इतना पानी का व्यू है, बहुत कम है पानी का व्यू, ना के बराबर है बिल्कुल। और इधर है अपना ये ओल्ड वाला ब्रिज और ये अपना वाटर वर्क्स है। तो अभी तो बस समथिंग इतनी चल रही है चंबल, यही है प्रॉपर चंबल का व्यू, आप मेरे पीछे पूरा व्यू चंबल का आपको दिख ही रहा होगा, बस यही है पूरा चंबल का व्यू आपको पीछे दिख रहे होंगे, ये पेड़ वगैरह बिल्कुल, कि पानी है ना कितना कम हो चुका है अभी। तो आगे कभी इन फ्यूचर चंबल चढ़ी या फिर चंबल से रिलेटेड आगे कोई भी बात हुई तो हम आपको अपनी वीडियो में बताते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अभी है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग चंबल कोटा वायरस का आने वाला है आपके लिए, मैं कोटा जाने वाला हूँ, तो देखूंगा वहाँ जाके कि चंबल कितना चल रही है अभी।
और चंबल रिवर की क्या स्थिति है। मैंने सोचा था कि ओल्ड वाले ब्रिज से वीडियो शूट करते हैं, बट है ना मैंने काफ़ी बार उधर से अपनी वीडियो शूट की है तो सेम सीन हो जाता है हर बार, इस वजह से मैंने ना अपनी वीडियो उधर से शूट नहीं की और मैंने सोचा कि है ना न्यू वाले ब्रिज के नीचे से वीडियो शूट करते हैं और यहाँ से आपको है ना प्रॉपर व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर व्यू आपको दिख ही रहा होगा कि क्या व्यू है पूरी चंबल रिवर का। तो बस यही बताना था, और नेक्स्ट वीडियो कोटा बैराज की आने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में यार काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, इससे मोटिवेशनल मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कर दिया करो, और तो कुछ चाहिए नहीं आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में होता है सब्सक्राइब। तो बस ये दो तीन काम कर दिया करो, और बस तो यही दिखाना था आपको। और भी इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जल्दी, मैं प्लान कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए, तो और भी अच्छी आपको जल्दी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल मैं तो चंबल रिवर का व्यू दिखाना था आपको, तो आप पूरा व्यू प्रॉपर देख ही सकते हो कि क्या स्थिति है चंबल की अभी और कितनी चल रही है। बस चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो भी वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर चैनल पर पहली बार आए हो या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।